स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी एवं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के सौजन्य से एनीमिया की रोकथाम नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम जनजातीय बहुल ग्रामों में चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के अगले चरण की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को ग्राम पंचायत तिपरपुर में की गई। इस कार्यक्रम के तहत घर घर भ्रमण कर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे एवं सभी आयु वर्ग की महिलाओं का निःशुल्क हीमोग्लोबिन टेस्ट कर एनीमिक पाए गए लाभार्थियों को 6 माह तक आयरन विटामिन सी की दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की जाएगी। साथ 6 माह में एक बार कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की दवाई भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त समस्त लाभार्थियों को पोषाहार एवं स्वच्छता संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम सभा में ग्राम पंचायत तिपरपुर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह, उनके भाई अजय सिंह उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अनु सिंगल, स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय की सीनियर सोनोलॉजिस्ट, SVHM सोसाइटी की सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की इंचार्ज डॉक्टर ताराश्री सिंगल एवं चिकित्सालय की वरिष्ठ फिजिशियन एवं एनीमिया कार्यक्रम के इंचार्ज डॉक्टर दीपक सिन्हा, एनीमिया कार्यक्रम की सुपरवाइजर एवं जिला समन्वयक सोशल आउटरीच प्रोग्राम स्वाति नायर, एनीमिया कार्यक्रम की टीम सुरेश कुमार, उषा एवं संगीता तथा वनवासी कल्याण आश्रम की संचालिकाएं उपस्थित थी। सभी को ग्राम प्रधान के द्वारा जलपान कराया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। तो इस ग्राम में हम ये एनीमिया की रोकथाम नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम हेतु यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले हमने ये द्वितीय चरण का उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले हमने बद्रीपुर मेदिनीपुर ग्राम में इस कार्यक्रम को किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी महिलाएं, लड़कियां, सभी आयु वर्ग की सभी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले रहे हैं। सभी की निशुल्क खून में जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी खून की कमी के पाए जाएंगे उनको 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयाँ, आयरन विटामिन सी की गोलियाँ, आयरन सिरप, एल्बेंडाजोल, पेट में कीड़े की दवाइयाँ सब ये निःशुल्क 6 महीने तक दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इन्हें पोषाहार के बारे में ये हमने इनके पुस्तिका बनाई है जो हर घर में दी जाएगी। इस पुस्तिका के माध्यम से ये इनके घर में भी दी जाएगी जिससे वह याद रखें, और बाकी जब हर घर में हमारे स्टाफ जाएगा उनको समझाएंगे भी कि पोषाहार में क्या क्या खाना है रोजाना, जिससे दवाइयों से वो मुक्त होके आजीवन लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। एनीमिया की रोकथाम नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम है जो कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी और UJVN लिमिटेड इनके सौजन्य से ही चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ग्रामों में जो है जो खून की कमी जिसे एनीमिया कहा जाता है तो उसको जो है रोकने के लिए, उसको आगे ना हो लोगों में और उसके उपचार के लिए जो है घर घर टीम हमारी भ्रमण करेगी। जो इसमें हमने समूह लिया है, हमने 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को लिया है, लड़के लड़कियों दोनों को। इसके ऊपर फिर हमने जो है 15 वर्ष तक की किशोरियों को लिया है, उसके ऊपर जो है 15 से 49 वर्ष की गर्भवती या जो ना ही नहीं भी गर्भवती उन महिलाओं को लिया है, और 50 वर्ष से भी ऊपर सभी महिलाओं को लिया है क्योंकि इन्हीं में अनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। हमारी टीम घर घर जाएगी, हर एक खून की जाँच करेगी, चाहे जितने भी लाभार्थी होंगे जो इस समूह के उनकी खून की जाँच होगी। उनकी जाँच में अगर वो एनीमिक पाए जाएंगे तो हमारी टीम उन्हें दवा देगी और दवा देने के बाद वो उनको फॉलोअप भी करेगी। मतलब ये जाएगी फिर 10 दिन बाद कि क्या उन्होंने दवा खाई है तो नियम से खा रहे हैं कि नहीं, दवा से उनको क्या हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। और 3 माह के बाद इन्हीं का पुनः हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा, खून की जाँच पुनः की जाएगी कि किस दवा खाने से कितने उनके खून में बढ़ोतरी हुई। ये तो एक भाग हुआ। साथ में जो हमारी टीम है पोषाहार संबंधी, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर हमारे घर में जो अनाज होता है उन्हीं में इतना आयरन होता है कि उससे हम अनीमिया को दूर कर सकते हैं, पर कुछ हद तक उपेक्षा का वो शिकार रहते हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड का, इन सब का चलन हो गया जिनमें कि पोषक तत्व नगण्य होता है। तो हमारी टीम ये भी शिक्षा देगी, साथ में एक पैम्फलेट देगी, ब्रोशर देगी जिसमें लिखा होगा कि क्या आप खाएँ, किससे आपको लाभ होगा, किसमें कितना लौह तत्व है, ये भी उन्हें बताया जाएगा। तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाना, लोहे की कढ़ाई का उपयोग, लोहे की कढ़ाई से बहुत ज़्यादा आयरन अपने शरीर में आता है लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने लोहे की कढ़ाई का उपयोग करना बंद कर दिया है, ग्रामों में भी नहीं मिलता है, तो उसको पुनः जागृत करना। ये कार्यक्रम सफल रूप से हमने बद्रीपुर और बिंदुपुर नामक 2 जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चलाया है। तो इसमें उद्देश्य जो मुख्य है वो जनजातीय बहुल आबादी।